मुरैना शराब कांड में 22 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर सख्त हो गए हैं। उन्होंने मुरैना के कलेक्टर और एसपी को उनके पद से हटा दिया है। इलाके के एसडीओपी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब एसीएस होम और 2 एडीजी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। शराब कांड के बाद भरत यादव को मुरैना का कलेक्टर और रघुवंश सिंह भदौरिया को एसपी बनाया गया है। मुरैना जिले के 3 गांवों में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के कलेक्टर और एसपी को अब हटा दिया है। इनके साथ ही जोरा के एसडीओपी को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मुरैना की घटना अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली है। ऐसे मामलों में कलेक्टर और एसपी ही दोषी होंगे। मैं मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिस इलाके में जहरीली शराब ने कहर मचाया है, 5 साल पहले मुरैना के इस विसंगपुरा मानपुरा में शराबबंदी का निर्णय लिया गया था। उसी गांव में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 22 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। शराब पीने वाले अब अस्पतालों में आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार मौत की खबरें मिलने के बाद कुछ लोग डर गए हैं और कुछ की तबीयत भी खराब है। जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों के परिवारों में भी मौतें हुई हैं। 7 लोग मुरैना और ग्वालियर के अस्पतालों में, 3 लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शराब बनाने व बेचने वाले 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के आबकारी अधिकारी जावेद अहमद एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बागचीनी थाना प्रभारी अविनाश सिंह राठौर को निलंबित कर दिया है। दतिया की जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन को मुरैना का भी प्रभार सौंपा गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।